नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत के लिए एक फलाहारी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो झटपट से बनके हो जाएगी तैयार। तो देखिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, साबुदाने को सूखा ही मिक्सर जार में पीस लिया है, और ये मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं बारीक, और मैंने मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है, उसको रोस्ट करके बारीक मिक्सी में चला लिया है। और साथ में मैं डालूंगी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हरा धनिया और ये सेंधा नमक जो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैं लूंगी इसके अंदर ये आलू, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ये साबुदाना, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी ये भुनी हुई मूंगफली, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको मिला लेती हूँ, फिर मिलते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा आलू, साबुदाना और मूंगफली का बैटर तैयार। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर सेंधा नमक। सेंधा नमक आप ध्यान से डालिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तेज होता है देन द नॉर्मल सॉल्ट। और बस इसमें हम डालेंगे मिर्च, और हम डालेंगे हरी मिर्च, और डालेंगे थोड़ा सा धनिया, तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। इस तरह डाल के हम इसको मिलाएंगे, और कलर के लिए थोड़ी सी हम डाल देंगे हल्दी। अब आप देख लीजिए कि अगर व्रत में आपको किसी चीज़ से परहेज है तो वो इंग्रेडिएंट आप यूज़ ना करें। तो ये देखिए, आप इसको गोल भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको लंबा बनाया है, जैसे आप लोग कुरकुरे टेढ़े मेढ़े खाते हैं, बस उसी तरह से। और ये बच्चे आराम से खाएंगे, बाइट साइज है, बस फटाफट उठाओ और खा लो। और इसके लिए आप व्रत की चटनी बना सकते हैं, धनिया, पुदीना, सेंधा नमक डाल के, और उसके साथ आप खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगा, फिलिंग है, और आपको अपने फास्ट में बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारी नवरात्रि स्पेशल टेढ़े मेढ़े आपके लिए मैंने ट्राई करे हैं। आई होप यू विल लव दिस। और बस अब चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। अब देखिए, तेल हमारा हो गया है, और हम फटाफट इसको डालेंगे, और बस ये बिल्कुल करारा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। और आप इसको नींबू की चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा हम एक साथ नहीं डालते, क्योंकि एकदम ऑयल का टेम्परेचर फिर धीरा हो जाता है, और वैसे इसमें पकने के लिए कुछ है नहीं, आलू हमारा बॉइल्ड है, साबुदाना आपको पता ही है इट्स इन अ पाउडर फॉर्म। तो बस ये झटपट बनने वाला है, और जो लोग भी फास्ट रख रहे हैं, मेरा सजेशन है आप इसको बना के आराम से फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपका दिल करे तब आप फटाफट सेक लीजिए, क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। तो उसके लिए ये देखिए क्या बढ़िया क्रिस्पी तैयार। मैं अब थोड़े से और इसमें डाल के आपको बता दूंगी, और बस फिर करते हैं हम प्लेटिंग। और आप ये ज़रूर कल नवरात्रि का फास्ट में आप ये बना के देखिए, एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी और आपका भी दिल अच्छा रहेगा। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय वीडियो। तो ये देखिए, हमारे व्रत के कुरकुरे हो गए तैयार, जो मैंने बनाए हैं सिर्फ सेंधा नमक आलू के साथ, और बहुत ही टेस्टी आपको लगेंगे। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस स्नैक्स। तो ये देखिए, बढ़िया करारी सुंदर से तैयार। तो इसको आप खाइए चटनी के साथ, व्रत में आप सॉस तो नहीं खा सकते, तो आप चटनी बना के खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव माई वीडियोज़।